गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका चैप्टर 9 देखिए वचन। अब वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब वचन देखो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में लड़की स्कूल जा रही है, तो लड़की स्कूल जा रही है तो कौन सा हो गया? ये एक वचन हो गया। लड़कियां स्कूल जा रही है तो एक से ज्यादा है, तीन है, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। जैसे यह है एक पेंसिल है, तो एक है तो एक वचन, और तीन से ज्यादा है ये पेंसिलें हैं, तो क्या हो गया? बहुवचन। अब देखो एक वचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, घड़ी, बालक, गाय आदि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, घड़ियां, मेजे, बालकों, गाय आदि। अब वचन की पहचान देखो। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से और क्रिया से। जैसे संज्ञा और सर्वनाम शब्द से, जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो एक वचन हो गया, और कुत्ते भौंक रहे हैं तो बहुवचन हो गया। क्रिया से जैसे फूल खिल रहा है एक वचन हो गया, फूल खिल रहे हैं तो बहुवचन हो गया। अब वचन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें देखो, कि किसी व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान दर्शाने के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपति राष्ट्रपिता हैं, तो इसमें हमेशा क्या होगा? एक वचन का प्रयोग होगा। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, अब भीड़ तो बहुत सारी होती है, मगर ये किस में आएगा? एक वचन में आएगा। पुलिस लाठी बरसाने लगी है, तो ये भी एक वचन में आएगा। वो शब्द सदैव हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, मेरे आंसू निकल गए, तो आंसू बहुवचन हो गया, कि मेरे आंसू निकल गए तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो हस्ताक्षर जो शब्द है वो किस में आ गया? बहुवचन में आ गया। कुछ लोग स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का भी प्रयोग करते हैं, हम बाहर जा रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है कि मैं की जगह क्या प्रयोग करते हैं? हम का प्रयोग करते हैं। अब देखो कि वचन बदलने के लिए, जैसे आंख का आंखें बहुवचन में, भैंस का भैंसे, गाय का गाय, माला का मालाएं, कविता का कविताएं, छात्रा का छात्राएं, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, बहन का बहने, बेटा का बेटे, गधा का गधे, घोड़ा का घोड़े, जाति का जातियां, पंक्ति का पंक्तियां, निधि का निधियां। जैसे इसमें ईया लगा के नदी का नदियां, मक्खी का मक्खियां, लड़की का लड़कियां, या का या को या में बदलने में बुढ़िया का बुढ़िया, गुड़िया का गुड़ियाए, पुड़िया का पुड़िया, उसे ए में लगाने में, ठीक है, तो छोटे ऊ को बड़े ऊ, बड़ा ऊ बनाकर आई की माता, धेनु का धेनुए, वस्तु का वस्तुए, ऋतु का ऋतुए, तो बहुवचन हो गया, बहु का बहुए, वधु का वधुए, गो को गौए। उपसर्ग रहित संज्ञाओं में ए और आ के स्थान पर औ लगाकर, जैसे नौकर का नौकरो, माता का माताओ, बहन का बहनो, अमीर का अमीरो, लता का लताओ, साल का सालो। और कुछ ऐसे होते हैं शब्द की एक वचन से बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे राजा का राजा ही रहेगा, दादा का दादा, मामा का मामा, चाहे बहुवचन भी प्रयोग करेंगे हम तो भी दादा ही आएगा, मामा का भी मामा ही आएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि गण वर्ग तथा जन जोड़ा जाता है, जैसे अध्यापक का अध्यापक, अध्यापक गण, पाठक का पाठक वर्ग, गुरु का गुरुजन, तो इसमें गण और वर्ग और जन जोड़े जाते हैं कुछ शब्दों में। अब है नित्य एक वचन, जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ और आदि। और ये हमेशा नित्य बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लोग, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू आदि। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि मेरे आंसू निकल गए,
तो ये हमेशा क्या है, बहुवचन के वर्ण है आंसू, तो वो शब्द सेंटेंस निकल गए, एक वचन जैसा लग रहा है, फिर भी क्या है वो बहुवचन में आएगा। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो मैंने किए तो एक ही हुआ, मगर हस्ताक्षर क्या बहुवचन का है, इसलिए वो सेंटेंस किसमें हो गया, बहुवचन में। थैंक यू।